मैडम 50 पोस्टकार्ड, 50 इंग्लैंड और 35 लिफाफे दीजिए। इतने सारे? जी। प्राइवेट पोस्ट ऑफिस खोलना है क्या? मैडम मेरे घर में शादी है। तो शादी में क्या मिठाई की जगह पोस्टकार्ड बांटोगे? जी नहीं, निमंत्रण पत्र भेजना है। ओ, ये बात है। जी हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? बोलो कितने चाहिए? 50 पोस्टकार्ड, 50 इंग्लैंड, 35 लिफाफे। एक मिनट, हाँ ले लो। इसके होते हैं 192 रुपए 50 पैसे। ये लीजिए 200 रुपए। लाइए 7.5 रुपया। एक मिनट, हाँ ये ले। ये क्या 7.5 कहाँ है? ये क्या है? ये तो लिफाफे और पोस्टकार्ड है, 7 रुपए 50 पैसे कहाँ है? ये दो एक्स्ट्रा लिफाफे हुए 6 रुपए, हाँ ये 4 एक्स्ट्रा पोस्टकार्ड हुआ 1 रुपया, 7 रुपए हो गए। 8 आने बचते हैं ना, तो 8 आने तो दे रही हूँ ना मैं। ये क्या क्या पर क्या पर वर कुछ नहीं, छुट्टा नहीं है भाई साहब। गम है भाई, मेरी जिंदगी में तो गम ही गम है। आप बताइए आपके क्या हाल है? मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। अरे वाह, पहला आदमी देख रहा हूँ जो गम ढूंढ रहा है। नहीं, बाहर और भी हैं बहुत सारे। और भी हैं बहुत सारे? हाँ। लेकिन क्यों? चिपकाना है। अरे भैया, गम चिपकाना नहीं पड़ता, जिंदगी में गम अपने आप चिपक जाता है। नहीं नहीं, स्टैंप चिपकाना है। ओहो, तो गम बोलना। वही तो गम। गम नहीं, गम। कौन? गालिब के मकान मालिक। है आपके पास? आपके पास जीव है, निकालिए। ऐसे नहीं, ऐसे। और ये लाइए स्टैंप, और इसको लगाइए ऐसे, और इसको यहाँ चिपकाया। अब इसको कर दीजिए पोस्ट। पर मुझे तो ये स्टैंप दूसरे लिफाफे पे चिपकाना था। ओ सॉरी। आइए आप मेरे साथ आइए, मैं चुटकी में आज काम कराता हूँ। पासवान जी, अडवाणी जी कहाँ हैं? अरे आगे आगे बाबा आगे, चलो नहीं चलो। अडवाणी जी आप देखिएगा, मैं आज कैसे चुटकी में फैसला कराता हूँ। नहीं कराया तो मेरा नाम मुसद्दीलाल वाजपेयी नहीं है भाई। एक महीने से पोस्टमैन नहीं आया हमारे यहाँ। अरे पोस्टमैन तो क्या, एक चिट्ठी तक नहीं आई वाजपेयी जी। सही है क्या? सही है भाई, जब पोस्टमैन नहीं आएगा तो चिट्ठी कहाँ से आ जाएगी? सही है। अच्छा तो अब क्या करना है? बात करते हैं किसी से। किसी से बात करते हैं? किसी को बुलाता हूँ। पोस्टमैन, पोस्टमैन। क्या हो गया, क्या हो गया भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो आप? आप पोस्टमैन हैं? जी हाँ। हाँ सही है। शर्म नहीं आती आपको? एक महीने से आप आए नहीं है। आपने बुलाया था। मैं क्यों बुलाऊंगा, आपको तो खुद आना चाहिए। खुद तो हम पार्सल देने भी नहीं जाते। अरे कमाल है, तो चिट्ठियां क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। क्या? जी हाँ, मेरा काम पार्सल बांटना है। हाँ, सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो चिट्ठियां कौन देता है? शुक्ला जी। शुक्ला, शुक्ला जी कहाँ है? आए नहीं है। आए नहीं है शुक्ला जी? अभी तक मैं ठीक बोल रहा था ना? सही सही नहीं नहीं बिल्कुल सही। आगे मैं ही बात करूँ ना? बात ही करिए। मैं ही करता हूँ ये। तो क्या करें आप? पांडे जी से मिलो। पांडे जी कहाँ है? वो सामने वाली टेबल पे। अच्छा हाँ सही है। चलिए चलिए अडवाणी जी आइए, चलिए वहाँ चलते हैं। एक्सक्यूज मी। यस। हम शिकायत करने आए हैं। करिए। क्या शिकायत करिए? हमारे रिश्तेदारों की हमें कोई खबर ही नहीं आती। चिट्ठी उट्ठी नहीं लिखते क्या वो लोग? नहीं, वो तो लिखते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं है। इसका मतलब वहाँ का पोस्टल डिपार्टमेंट काम चोर हुआ? नहीं नहीं सही है। नहीं, कैसे सही है? देखिए हमारी चिट्ठी तो उन तक पहुँच जाती है लेकिन उनकी चिट्ठी हम तक नहीं आती है। तो वो लिखते ही नहीं होंगे? वो तो लिखते हैं। तो ड्रॉप नहीं करते होंगे? ड्रॉप भी करते हैं। तो यहाँ नहीं आती होगी? आती तो होगी। तो जीपीओ से यहाँ नहीं आती होगी? देखिए अब जीपीओ तक आ गई होगी तो यहाँ भी आई जाती होगी। सही है। तो पोस्टमैन आपको नहीं देता होगा? बस 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 यही तो बात है। हुँ? शिकायत यही करने के लिए हैं हम। पिछले 2 महीने से पोस्टमैन जो है हमारे यहाँ चिट्ठी लेकर नहीं आया। तो ये बात आप सीधे सीधे नहीं कह सकते थे? सही है, सही है। अरे बिल्कुल सही जा रहा है बात पे जी, कहीं भी गलत नहीं था, ठीक ही तो था। अब क्या करें? अब पोस्ट मास्टर साहब पटेल साहब से मिलिए। सही है। वो कहाँ मिलेंगे? अंदर केबिन में। ये केबिन कहाँ है? केबिन अंदर ही होता है। सही है। क्या सही है? केबिन कहाँ है? देखिए मिस्टर मुसद्दीलाल वाजपेयी जी, वी आर वेरी सॉरी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। एनीवे आपकी जो शिकायत है वो लिख कर दे दीजिए। नहीं तो दो बातें हो जाएगी, या तो आपकी शिकायत दूर होगी या तो नहीं होगी। होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और नहीं हुई तो दो बातें होगी, या तो आप दोबारा यहाँ आएंगे या तो नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? और आए तो दो बातें होंगी, या तो फिर से आप मुंह से शिकायत करेंगे या तो लिखकर शिकायत करेंगे। मुंह से शिकायत की तो ऐसे ही उड़ जाएगी, और लिखकर शिकायत की तो फिर तो भी हम क्या कर सकते हैं जी? जी कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही। डोंट वरी, मैं अभी हमारे पोस्टमैन शुक्ला को बुलाता हूँ और उसे डांटता हूँ। आप शिकायत लिख कर दे दीजिएगा। ओके सही सही सही। यही पूछना था ना? हाँ यस सर। पांडे जी शुक्ला कहाँ है? घर जाके सोया होगा, पास में ही रहता है। अच्छा बुलवाइए उसे, बुलवाइए जी।
लिखा है टू द पोस्ट मास्टर डियर सर वी वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट योर पोस्ट मैन सही हु इज नॉट कमिंग टू माई हाउस माई वाइफ वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग सही सही लिखा ना मैंने सर सही है हिंदी में लिखो ना हिंदी में अरे भाई हिंदी में नहीं लिख सकते यार अंग्रेजी में प्रेशर पड़ता है समझ अब मेरा ख्याल ये है कि मैं इसके आगे लिख देता हूँ वाइफ वेटिंग मंडे वाइफ वेटिंग ट्यूसडे वाइफ वेटिंग वेडनेसडे वाइफ वेटिंग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वाइफ वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग सही है सही है सही है क्या हाँ सही है अरे इतना वेट तो मेरी वाइफ ने मेरा कभी नहीं किया है अगर इतना वेट वो पोस्टमैन का करेगी तो ऐसा नहीं लगेगा जैसे पोस्टमैन और मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है सही है अरे हिंदी में लिख लो हिंदी में अरे हिंदी में इंप्रेशन नहीं पड़ता एक बार बताया तो है मैंने आपको सही है हां लेटर लिखवा ना लेटर अच्छा हम ये काम भी करते हैं साइड बिजनेस है लव लेटर 100 रुपए माँ बाप 25 रुपए गवर्नमेंट 5 रुपए गवर्नमेंट 5 रुपए गवर्नमेंट इतना कम क्यों उसमें हम कुछ भी लिख देते क्या पढ़ता कौन है सही है बोलो लव लेटर या नहीं नहीं एप्लीकेशन लिखवानी है हाँ लिखता हूँ ना मैं 50 रुपए 50 रुपए अरे ऐसी एप्लीकेशन लिखूंगा कि पटेल साहब भी पढ़ते रह जाएंगे अरे तो ऐसी एप्लीकेशन का फायदा ही क्या हुआ कि पटेल साहब पढ़ते रह जाएं और हमारी शिकायत की तरफ कोई गौर ही ना करे रहने दीजिए हम खुद लिख लेंगे लेटर सोच लो एकदम इंग्लिश में लिखूंगा हिंदी की तरह समझ नहीं आप समझे नहीं समझ जाते तो पोस्ट ऑफिस के बाहर लेटर लिख रहे होते तुम्हारे लिए 5 कम बोलो चलो एक सेकंड मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हाँ, सही, 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 क्या सही है हर बार यहाँ से डाक ले जाते हो घर पे और सो जाते हो है ना सॉरी सर अरे क्या सॉरी बांटते क्यों नहीं शुक्ला सर धूप देखिए ना बाहर ऊपर से मेरी साइकिल पंचर है अलग हर बार तुम यही बहाना बनाते हो फिर बताया ना पिछली बार छापा पड़ा था तुम्हारे घर पे तो 2000 लेटर मिले थे पता है ना कितने हैं इस बार 4-5 हजार बस क्या हाँ ये तो गलत है शुक्ला सर क्या गलत है सर एक तो ईमानदारी से बता दो कि घर पर लेटर है मान लीजिए हम ये बोले कि हम बांट आए तो क्या प्रूफ है कि हम नहीं बांटा आप बोलिए सर नहीं बोलिए हाँ वो है मगर फिर भी संडे के संडे चले जाया करो वरना क्या है हमारे डाक विभाग का नाम बदनाम होता है प्लीज शुक्ला सर सर समझ बिकॉज ऑफ यू ना हम कोशिश करेंगे सर थैंक यू शुक्ला जाओ नई डाक आई है छांट लो जाओ आज आज नहीं आज तो पिक्चर का डे है सर अरे पिक्चर तो होते रहेगा शुक्ला अरे त्योहार का टाइम है रक्षाबंधन आ रहा है बहनों ने भाइयों के लिए राखियां भेजी है बांट लो वरना दो बातें हो जाएंगी नहीं नहीं सर दो बातें नहीं मैं जाता हूँ रक्षाबंधन है ना बस मैं गया और डाक छाट के लाता हूँ सर बड़ा इमोशनल है कैसे रक्षाबंधन के नाम पे कैसे गया डाक छाटने अरे यार आजकल रक्षाबंधन में राखी ही नहीं भेजते लोग यार अरे मिठाई भेजने का तो रिवाज ही बिल्कुल खत्म हो गया अबे जमाना खराब है ये देखो एक मिली कितने की होगी ये जाएगी 3-4 रुपए में जाएगी अरे यार तुम तो थोक की बात करते हो रिटेल की पूछ रहा हूँ भाई ये तो दुकानदारों को नहीं बेचोगे थोक में नहीं यार इस बार छोटे बच्चे को ना घर के बाहर ही दुकान लगवा दिया है बेचता रहेगा पिछले बार का भी तो बचा है ना ये देख ये जाएगी 10 में तुझे कुछ मिला अरे मुझे तो सिर्फ लड्डू मिले हैं यार ये बड़ा पैकेट है इसमें कुछ होगा देखता हूँ इसके अंदर क्या है देख मत सुन आम क्या एक मिनट खोल ले अरे यार आम मिल गया तुझे तो 15-15 रुपए की तो होगी एक अबे बेचेगा कौन सुन पैक ठीक से कर दियो किसी को पता ना चले ऐसी पैकिंग करूंगा कि पता ही नहीं चलेगा कभी खुले थे किसका है अरे ये कोई है मुसद्दी लाल वाजपेयी बालाजी कहाँ चले गए शुक्ला जी से पूछ लेता हूँ शुक्ला जी मत कीजिए जरा बात तो कीजिए देखिए ये चिट्ठियां जरा एक साइड पर रख दीजिए एक मिनट के लिए जरा मेरे पार्सल के बारे में बताइए पार्सल कौन सा वही जो मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है किसको भेजा था ते मुझे भेजा था और किसे भेजा था आम थे उसमें तो मतलब आम तो क्या अभी तक गुठली तक नहीं मिली है मुझे बताइए तो मतलब तो आप बताइए ना मैं क्या करूँ आप पहले पान थूकिए भाई साहब आप गलत एड्रेस पर चिट्ठी डाल रहे हैं पार्सल डिपार्टमेंट भाटिया साहब कहाँ मिलेंगे भाटिया साहब पांडे जी से पूछ ली ना पांडे जी तो अपनी टेबल पे नहीं है कैसे पूछूं तो उषा जी से पूछ लीजिए उषा जी कहाँ मिलेंगी उन्हीं से पूछ लीजिए ना अरे उषा जी से ही पूछूंगा कि आप कहाँ मिलेंगी अरे वो देखिए वो जो फोन पर बटका रहे हैं उधर ना वही है उषा जी चल जाइए उनके अच्छा धन्यवाद अरे धन्यवाद यार तेल बेचने रतन लाल नगर का चिट्ठी जो है गोविंद नगर में मिलवा दिए गोविंद नगर का अरे यार टोटल कंफ्यूजन है यार इससे बढ़िया घर चल के सो जाओ
जिसको चाहिए होगा घर से आके अपने यहाँ पर ले जाएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे स्टैम्प्स और पोस्टकार्ड्स नहीं है। नहीं, स्टैम्प और पोस्टकार्ड मुझे नहीं चाहिए। वो एक साहब है ना जो वो चिट्ठी लिखते हैं, क्या नाम है उनका? कौन, पांडे जी? हाँ हाँ, पांडे जी। वो कहाँ मिलेंगे? देखो ना, यहीं कहीं होंगे। अरे हाँ, अभी आए हैं कुछ। पांडे जी, एक्सक्यूज मी पांडे जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल वाजपेयी। आपको याद है मैंने एक लेटर लिखवाया था आपसे? हाँ 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 हाँ, फिर लिखवाना है क्या? नहीं नहीं, लेटर नहीं लिखवाना है। मैं यहीं पास में ही ना रतन नगर में रहता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, और मेरे पिताजी रहते हैं लखनऊ में। तो अपने खानदान के बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं आप? इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने 15 किलो आम भेजे थे, आज तक गुठली भी नहीं मिली मुझे। भाई, आपके पिताजी ने पार्सल पे सही नाम पता नहीं लिखा होगा। मेरे पिताजी ऐसी गलती तो कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने स्टैंप सही नहीं लगाई होगी? इतनी छोटी मोटी गलती तो आज तक उनसे हुई नहीं, तो यहाँ पहुँचा ही नहीं होगा। अरे एक बात तो बताइए मुझे आप, 1 महीना पहले पार्सल वहाँ से निकला है तो यहाँ पे पहुँचा तो होगा आपके पोस्ट ऑफिस में? तो पोस्टमैन ने डिलीवर नहीं किया होगा। यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पोस्टमैन ने 15 किलो आम का पार्सल जो वहाँ से निकला था वो तो क्या गुठलियाँ तक नहीं पहुँचाई है मेरे पास। आप कुछ कीजिए ना मेरे पार्सल का प्लीज। कौन से पार्सल का, गुठली वाला या आम वाला? अरे आम वाला पार्सल भाई। भाई पार्सल डिपार्टमेंट भाटिया साहब के पास है। ये भाटिया साहब कहाँ है? पांडे जी, हम जा रहे हैं डाक बांटने घर, ठीक है? अरे भाई साहब जरा देखिएगा, मेरे नाम का कोई खत तो नहीं है? नाम बताइए ना। मुसद्दीलाल वाजपेयी। मुसद्दीलाल वाजपेयी। अच्छा, किसका है जरा बताइएगा। अरे भैया, अब हम अंदर घुस के थोड़ा देखें, खुद है पढ़ लो भाई। ये क्या है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश लिखना जानता हूँ पढ़ना नहीं जानता। हम तो दोनों में ही कमजोर है। पांडे जी से पढ़ा लो। अच्छा पांडे जी, जरा ये लेटर पढ़ दीजिएगा, इंग्लिश में है। हम हर भाषा का लेटर पढ़ते हैं। अच्छा, किसका है? प्यारे बेटे मुसद्दी को शुभाशीष, बेटा आज बच्चों के लिए आम भेज रहा हूँ, स्वीकार करना। बेटा मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है, इसलिए पावती की रसीद भी भेज रहा हूँ, इसलिए आम मिलते ही सूचना देना। तुम्हारा बाप मुसद्दी लाल सीनियर। आम मिले? आम क्या, गुठली तक नहीं मिली है मुझे। तो लाइए 20 रुपए। 20 रुपए किस चीज के? लेटर पढ़ने के। अरे तो बहुत ज्यादा है, लेटर पढ़ने का रेट यही चल रहा है आजकल। खैर, अब तो मैंने लेटर पढ़वा लिया, मैं आपको पैसे ना दूं तो आप मेरा क्या कर लोगे? तो मैंने कौन सा सही लेटर पढ़ा था? हाँ, अच्छा जरा पढ़ दो ना, फिर से पढ़ दो जरा। 20 रुपए। अरे यार, 20 रुपए ना हो गया जान, ये लो 20 रुपए। हाँ, अब बताइए। बताया तो था, लेकिन वो तो आपने कहा कि आपने झूठ बोला था। बोला झूठ था, लेकिन लेटर सही पढ़ा था। लेकिन आपने तो हिंदी में पढ़ा था, पिताजी ने तो इंग्लिश में लिखा है। अरे नहीं, लिखा हिंदी में है, लेकिन आपके पिताजी की राइटिंग ऐसी है कि लगता है इंग्लिश में लिखा है। क्या? हाँ, ये आम की रसीद। पर आम कहाँ है? अरे भैया, कौन से आम, कैसे आम? दशहरी रहे होंगे, नहीं तो लंगड़ा रहा होगा। नहीं नहीं, मैं आपसे आम की नस्लों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप किन आमों का जिक्र कर रहे हैं? भाई साहब, मैं उन आमों का जिक्र कर रहा हूँ जो मेरे पिताजी ने लखनऊ से भेजे थे पार्सल करके। वो आम तो क्या, आम की गुठली तक नहीं मिली है मुझे अभी तक। तो मतलब, तो क्या मतलब, आप बताइए कि कहाँ गई? कमाल है, आप बात कैसे कर रहे हैं? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपका पार्सल खोलकर मैंने आपके आम चुरा लिए हो। जैसे ये जो आम मैं खा रहा हूँ, ये वही आम है जो आपके पिताजी ने भेजे। ये क्या तरीका किसी से बात करने का, तभी मुझे खाया पिया लगता नहीं है कुछ। देखिए आप नाराज मत होइए भाई साहब, आप प्लीज नाराज मत होइए। क्या है कि 1 महीने से वो आम मुझे मिले नहीं है, तो आम तो क्या मतलब गुठली भी नहीं मिली, तो गई तो कहाँ गई? हमें क्या पता। अरे भाई, लखनऊ में लोकल पोस्ट ऑफिस से निकली होगी, हेड ऑफिस पहुंचे होंगे, ट्रेन में लोड हुए होंगे। अब ट्रेन चली कि नहीं चली, आपको तो पता है ट्रेन आके कितनी लेट होती है। कितनी लेट हो गई होगी, 1 महीना हो गया है भाई साहब। 1 महीना पहले भेजे थे? हाँ, एकदम फ्रेश है। क्या कह रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब था कि आम अब तक फ्रेश होंगे, सड़ नहीं होंगे। सड़ जाने दो, लेकिन कम से कम आम तो आने दो, भले गुठलियां ही मिल जाए मुझे। डोंट वरी, आप हम पर विश्वास रखिए, जैसे ही आपका पार्सल हमारे। हेलो, धर्मपुर डाकघर। हाँ जी, एक मिनट, उषा जी का फोन है, जरा बुला दीजिए प्लीज। अच्छा, इसको कहीं शक तो नहीं हो गया कि ये आम इसी के हैं? हो गया तो हो गया। मैडम, मैडम जी, आपके लिए फोन है। कहाँ? वहाँ भाटिया साहब के टेबल पे। किसका है? पता नहीं, तो पहले पूछना चाहिए था ना। मैडम, दो इनलैंड देना। ओफो, जरा इसे इनलैंड दे दो। तो मैं अंदर आऊँ? हाँ हाँ, अंदर। अच्छा, अबे तो ये वो, एक सेकंड। हाँ, दो ही लें। गाना बहुत अच्छा है वो, कौन सा वो, हमारा दिल आपके पास, यही तो। क्या?
पोस्टकार्ड तो नहीं है, इनलैंड दूं? एक दो। अरे भैया एक दूं के दो दूं? अरे भाई एक दो आदमी है भैया, तो एक बार नहीं बोल सकते एक दूं के दो दूं? भांग खाए हो क्या? एक 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 इनलैंड दो। भांग तो तुमने खाई लगती है, तीन बार बोल रहे हो एक एक एक, एक भी बार नहीं बोल सकते एक एक क्या इनलैंड? अनिल कपूर के बाप के बच्चे उसे माँ कहते? ओह तो अनिल कपूर को भी ऐश्वर्या को माँ ही कहना चाहिए ना। सुनो 5 बजने वाला, ऑफिस बंद कर देना। जी है? मैं ऑफिस को बंद करूंगा? वो मैडम कहाँ गई, वो जो यहाँ बैठती हैं? कौन? उषा जी? हाँ हाँ भाई। उनका शो छूट गया, वो घर चली गई हैं। क्या? और भाटिया जी कहाँ हैं? वो भी घर चले गए, सब घर चले गए। 5 बज गया, तुम भी घर चले जाओ। अच्छा जी, अच्छा पांडे जी एक सेकंड, ये बता सकते हैं आप मुझे कि वो मेरे आम के पार्सल का क्या होगा? हैव यू एनी आइडिया? देखिए ये आइडिया लगाना तो बड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है कि लखनऊ से पार्सल चला ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए रसीद है मेरे पास, जो मेरे पिताजी ने मुझे बाय पोस्ट भेजी है। देखो अभी ये मिल गई ना, पोस्ट ऑफिस का फॉल्ट होता तो ये भी नहीं मिलती, ये मिल गई आम भी मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? आपको पता है 1 महीना पहले मेरे पिताजी ने वहां से आम भेजे थे, मुझे गुठली तक आज तक नहीं मिली है। आपको पता है वो आम मेरे लिए क्या है? क्या है? आम है। डोंट वरी, आप लिख कर शिकायत दे दीजिए, मैं डेफिनेटली एक्शन लूंगा। भाटिया जी नहीं, मैं पेन दूसरा ले। हां भाटिया कहां है इसका पार्सल? सर वो पहुंचा ही नहीं होगा अभी तक। झूठ मत बोलो, पिछले 3 दिन से डेली आम खा रहे हो। आम खा खा के तुम्हारी शक्ल आम जैसी हो गई, बताओ कहाँ गया? सर वो तो गया। कहाँ? पेट में। सर खुशबू इतनी अच्छी थी कि रहा ही नहीं गया। सर ये देखिए आदमी बचा। ओ, बहुत अच्छे सर, मुन्नू को अच्छे लगते हैं। अभी इसे क्या दें? अब क्या दें सर, बोल देंगे कि वो कि रास्ते में खो गया और क्या। नहीं नहीं इसे पोस्टल डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है भाटिया। और कितना होगा सर। ये लो लाओ 50 रुपए। ये लीजिए 50। अरे ये तो हिंदी में लिखा है आपने। अरे नहीं नहीं इंग्लिश में है। नहीं नहीं भाई ये तो हिंदी में है, ये तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। ये सिंपल वाली इंग्लिश है, इसे कोई अनपढ़ भी पढ़ सकता है। जाओ जमा करो। सर ये लीजिए एप्लीकेशन। हाँ गुड, अभी आप एक काम कीजिए, आप जीपीओ चले जाइए। जीपीओ? जीपीओ क्यों? क्योंकि हमें शक है कि आपका पार्सल अब तक वहीं है, यहाँ आया नहीं है। तो आप मंगाइए ना। ठीक है मगर फिर टाइम लग जाएगा, फिर मत कहना। कितना? 1-1.5 महीना लग जाएगा भैया। 1-1.5 महीना? अरे देखिए जो आम मेरे पिताजी ने भेजे हैं वो साले सड़ जाएंगे, मेरे हाथ में तो एक गुठली भी नहीं पड़ेगी। हाँ इसीलिए कहता हूँ ना, आप खुद चले जाएंगे तो काम जल्दी होगा। जी क्या हुआ? निराश हो गया मैं। भाटिया जल्दी कुछ करो वरना वहां जाएगा तो पता चल जाएगा कि पार्सल यहां पहुंच चुका है। अरे सर इतनी जल्दी क्या पता लगेगा, अभी ये हफ्ता भर वहां चक्कर काटेगा। कुछ ना कुछ कर लेंगे, आने दो वापस। पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब। अरे मुसद्दिक जी आप कहां थे इतने दिन? भैया 1 महीने से चक्कर लगा रहा था मैं जीपीओ के, अब पता चला कि मेरा पार्सल जो है यहाँ पहुंच चुका है। तो आपको कैसे पता चला? उस दिन आप इधर से उधर गए और पार्सल उधर से इधर आया। अच्छा सर, मैं पार्सल बांटने के लिए जा रहा। अरे अरे मुसद्दिक जी आप, मैं आपने पार्सल देने के लिए जा रहा था, अब आप आए हुए तो खुद ही ले जाइए। अच्छा। ये नीचे वाला। थैंक यू थैंक यू। भारी है, भारी है। भाई 15 किलो आम है इसमें मुसद्दिक लाल के नाम। मुसद्दिक लाल जी ये 2 और पार्सल है उस एरिया के, प्लीज ये भी डिलीवर कर दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। अच्छा हाँ माय आप आएगा तो याद करेगा। एप्लीकेशन लिख दूं? यहाँ मेरे पार्सल के अंदर से आम की जगह गुठलियां निकली हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ लिख दूं। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे तुम फिर आ गए, जरा ये एनवेलप। अरे एनवेलप लिख दूंगा मैं किसी को, पहले आप ये बताइए कि ये है क्या? क्या है? पार्सल है। तुम्हारे आम मिल गए? आम नहीं मिले हैं, गुठलियां मिली हैं। है क्या ये? ये है क्या? आप बताइए शुक्ला जी क्या ये? दिखाई नहीं दे रहा, पार्सल है।
पार्सल है लेकिन इसके अंदर आम होने चाहिए थे। पार्सल में ही होंगे? आम नहीं है इसके अंदर, ये देखिए गुठलियाँ निकली हैं। गुरु आम खुद खा करके गुठली हमारे पास ला रहे हो तुम? जी नहीं, जैसा पार्सल मेरे पास आया था वैसा ही आपके सामने लेके आया हूँ, गुठलियाँ थी इसके अंदर। अरे तो पिताजी ने जैसा भेजा होगा वैसे ही तो मिलेगा ना? अरे मेरे पिताजी पागल हो गए हैं क्या, वो यहाँ पे गुठलियाँ भेजेंगे लखनऊ से पार्सल करके? नहीं मतलब हो सकता है कि डेढ़ महीने में आम सूख कर गुठली बन गए हो। हाँ ये तो हो सकता है कि डेढ़ महीने में सूख कर, मगर अगर आम सूख गए होते तो उसके ऊपर आम का छिलका तो होना चाहिए था, वो नहीं है। ओ भाटिया, छिलके कहाँ हैं? सर छिलके तो मैं खा गया ना, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से ऐसी गलत? अच्छा तो मैं समझ गया, मतलब ये है कि आप लोगों ने मेरा पार्सल खोला और आप सबने मिलकर इसके अंदर के आम खा लिए। आपको लगता है ऐसा? जी हमें तो पूरा यकीन है। क्या आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, मुझे मेरे आम चाहिए किसी भी हालत में। अरे कहाँ से दूं, इसमें आम होंगे ही नहीं। आपको तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ के पोस्टमास्टर हैं। आप शिकायत कर रहे हैं? जी शिकायत कर रहा हूँ। लिखित कीजिए। लिखित? हाँ ये लो लाओ 50 रुपए। दे 50 ये लो। पहले ही कहा था लिखवा लो। ये लीजिए लिखित एप्लीकेशन। ओके हम जांच करेंगे। ओके कोई सीबीआई को बिठवाएंगे आप? मुझे आम चाहिए, मेरे चाहिए और इसी वक्त चाहिए। इसी वक्त? अरे इतनी जल्दी क्या, स्पीड पोस्ट समझ रखा है क्या? स्पीड पोस्ट कौन सा कम है, 2 दिन के लिए कहते हैं, 7 दिन के अंदर खत पहुंचता है, इससे तो अच्छा कुरियर है। हाँ तो पिताजी से कहना अगली बार कुरियर से भेजिए। ओके हाँ तो गलती हो गई, अगली बार पिताजी से यही कहूंगा कि कुरियर से भेजिएगा मेरे आम। भाई साहब अपनी गलती हमारे ऊपर क्यों मढ़ रहे हो? देखिए ये पोस्टल डिपार्टमेंट फिर भी ठीक है। कुरियर से भेजते तो 2 बातें हो जाती, या तो पार्सल आपके घर पहुंचता या तो किसी और के घर पहुंचता। किसी और के घर पहुंचता तो आपको कोई फायदा था नहीं, आपके घर पहुंचता तो 2 बातें होती, या तो उसमें आम होते या तो कुछ नहीं होता। आम होते तो ठीक था मगर कुछ नहीं होता तो? अरे वाह 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 वाह, कुरियर से भेजते और कुछ नहीं होता तो चलता, और हम, अरे हमने गुठलियां तो पहुंचाई। आप हमेशा कहते रहते थे कि देखिए आम तो क्या, हमारी तो गुठलियां तक नहीं पहुंची। अब गुठलियां मिली? अरे लेकिन गुठलियों का करूं क्या, घर के बाहर लॉन है। हाँ है, बहुत बड़ा लॉन है मेरे घर के बाहर। तो उसमें गाड़ दीजिए ना। अच्छा तो क्या होगा, आम का पेड़ उगेगा। अच्छा हाँ, फिर हर रोज पानी डालते रहना। यही तो 10-12 साल के बाद इसमें आम लगेंगे। क्या? इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम।